जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्तों को प्रणाम। महाराज प्लेटफॉर्म को समस्तों को स्वागत। हरिओम स्वामी जी। आसना शुभम से नहांति आसनंदन स्नाति हरिओम स्वामी जी। हरिओम हरिओम स्वामी जी। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतं द्रव संयुतम् पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुविभावुका यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् परमाराध्य परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंद रे कोटि कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरण वंदन पूर्वक गुरुदेव कर श्री चरणारविंद रे कोटि नमन पूर्वक भगवान श्री जगन्नाथंकर श्री छत्र छाय रे विराजमान करथिवा समस्त भक्त जन मातृशक्ति परमात्मा कर सत्ता को उपलब्ध करिवा निमंते जीवन यात्रा रे चलिबा पई हेले तो अनेक विघ्न अनेक तो दुख जंत्रणा किंतु अनेक दुख जंत्रणा विघ्न आदि यदि ये सब के सब गुण के अंतर्गत आसे यदि वयम सर्वे आमे समस्ते एक पुरुष तंत्र एक चैतन्य तंत्र अटु ताहले जदि मु अटे ताहले ये मोर मन मोर शारीरिक स्थिति मानसिक स्थिति यहां तक बौद्धिक स्थिति ये सब के सब हालांकि जदि जने जन को जंत्रणा अथवा दुख दबा पाई चेष्टा करे शारीरिक दब मानसिक दब अथवा बौद्धिक प्रदान करी परिवा उसके अलावा शारीरिक जंत्रणा मानसिक जंत्रणा बौद्धिक जंत्रणा ये तीन के अलावा हमें चाहे भी तो दुख जंत्रणा दबा पाई असमर्थ अवसे ताले जदि मुंह एवं मोर अथवा जीवात्मा और तत्प्रकृति जहाँ किए 28 रूप रे 28 प्रकार रा गणना करे किए 27 प्रकार रा किए 26 प्रकार रा किए 25 प्रकार रा किए 26 प्रकार रा यहां तक के 17 प्रकार के 13 के 11 के 9 के 7 के 4 एभली भाव रे वर्णन करा जाए अलग अलग रूप रे ये संपूर्ण प्रकृति अथवा जड़भूत को वर्णन करिबा पई तो सेथि निमंते एकदम सा थोड़ी टुकड़े 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 कर डाला भगवान श्री कृष्ण चाहे बहाना अन्य कौन हो ताकि ये संपूर्ण जो शरीर हो या फिर संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रूपक हो ताकि बुझीबा निमंते अलगा 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 सर्वप्रथम तो गुण दोष युक्त ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को वर्णन करा गया और यदि गुण है भी कम से कम वो हमसे अलग है मुंह एवं मोर प्रकृति मुंह एवं मोर स्वभाव मुंह मोर इंद्रिया मुंह मोर मन मुंह एवं मोर देह यानी पंच महाभूत मुंह मोर त्रिगुण सात्विक गुण राजसिक गुण तामसिक गुण अच्छा तबे प्रश्न हला भगवान श्री कृष्ण प्रति कि
ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ ଯେ ସବସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବକ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୱାନ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ତ ମୋତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କି ଭାଗବତ ଧର୍ମର ଆଚରଣରେ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଲଗ୍ନ ଅଛି, ଲେକିନ କଦାଚିତ ଉସ ଶାନ୍ତ ପୁରୁଷ କେ ପ୍ରତି अथवा कौनसी अथवा कोई विद्वान व्यक्ति के प्रति विदुषामति विद्स्वात्मन प्रकृतिर ही बलीयसी रुते त्वधर्म निरस्तान शांतास्ते चरणालयात। नारायण विद्वान निमन्ते विद्वान मानक प्रति अथवा शांत पुरुष को अतिरिक्त जो माने रहिले तो कदाचित ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ତିରସ୍କାର ଯୋଉ ଅବହେଳନା ମିଳେ ଏ ଜଗତରୁ, ତ ତାଙ୍କୁ ସହନ କରିବା ବଡ଼ା କଠିନ ଜଣାପଡ଼େ। କଥା ହଉଛି ଯେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ କଥା ବି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅପନ ହିଁ ଘର ପରିବାରରେ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ହଉ, ଜଣେ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ शांत चिदात्मा हो, लेकिन उन्हीं के अपने ही घर परिवार के लोग कदाचित अवहेलना करिबा पाए लागंथे, तो ताकु को बोली भावर अत्यंत बलवती है ये, ताकु सहन करिबा बड़ा दुष्कर। जने सज्जन एक एक चुपचाप बसी चंदी और एक दूसरे जने कोई दुष्ट व्यक्ति उनको गालियां दे रहा हो तो कटु वचन कहती पद्धति तो सहन करिबा बड़ा कठिन। सो भगवान कृष्ण को भली भावरे ऐसी परिस्थिति रे भी मध्य जन व्यक्ति को आत्मस्थ स्थिति सदार सर्वदा बरकरार रहे बरकरार रह रही परिव तार सुंदर भावरे एक उपस्थापन करंती एक तितिक्षु ब्राह्मण भिक्षु गीता के अंतर्गत। एवं श्री सुखदेव जी कहते सैव मासांसित उद्धवेन भागवत मुख्येन दासर पर मुख्य समाजयन समाजयन भृत्य वचो मुकुंद तमाव भासे श्रवणीय वीरिया। परीक्षित वास्तव रे भगवान कर लीला कथा श्रवण करिवार योग्य थे कौन सी दिमत नहीं, किंतु से लीला कथा श्रवण करिबा द्वारा आम मान के जगत रु मुक्ति हबार एक सुंदर पथ आविष्कार है। तो जेते बेले परम प्रेमी भक्त उद्धव परमात्मा भगवान श्री कृष्णंकर पाखर एभले विनती कले कि नारायण आकु को बोले भाबरे बुझिबा कथा, जने शांत स्वभाव जने महापुरुष आत्मरे स्थित हैला परे भी मध्य बहिर जगत रे उसको कोई कटु वचन जदि कहुथिबो ताकु जदि अवहेलना किए करुथिबो ताकु जदि निंदा किए करुथिबो ताकु को बोली भाबरे से सहन करिवा कथा, ये तो बड़ा कष्ट व्यापार। भगवान श्री कृष्ण कहचंती देखो हे देव गुरु बृहस्पति शिष्य उद्धव, आप देखो इतना दिन के बाद तो उद्धवंकर जो वास्तविक रीड बोले विद्वान तो तुम भी हो, विद्वान तो तुम भी हो और अर्थ अरे देवगुरु बृहस्पति शिष्य तुम्हें उद्धव, ये संसार प्राय एभली संत पुरुष मिलंती नहीं तुमर भलिया। नारायण कि एभली कौनसी सज्जन एभली कौनसी शांत पुरुष मिलंती नहीं, बड़ी मुश्किल से कि दुर्जन मानकर कटुवाणी रे घायल न है कि निज हृदय को संभालिबा, ये ऐसे महात्मा बहुत ही कम होते हैं। आज चाहे विश्वामित्र कथा कहंतु चाहे दुर्वासांक कथा कहंतु चाहे नारद ऋषिंक कथा कहंतु चाहे गौतम ऋषिंकर कथा कहंतु चाहे पितामह भीष्मंक कथा कहंतु, जितने बड़े से बड़े महापुरुष महात्मा मानकर जीवन ने एभली देखा जाए
କାହାକୁ ନା କାହାକୁ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ଏବଂ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବାର। ଆଚ୍ଛା तो ये मनुष्य हृदय मर्म भेदी बाण द्वारा कोई कटुवचन कहे और कटुवचन अंतर्गत ताकु कष्ट न होवे नारायण, तो ऐसा तो दिखने दिखता नहीं कदाचित। उद्धव जी ए विषय महात्मा मने गोटे सुंदर प्राचीन इतिहास कहते, जबकि मु तुमको वर्तमान ये इतिहास को श्रवण करोचे अथवा अवतरण करोचे। एभली भाव रे कहा जाए जो कि वही जो भिक्षुक ब्राह्मण तो तांकु जेते बले एभली भाव रे सबने सताने लगे अथवा सबने ऐसा निंदा कटु वचन अथवा अवहेलना करिबा पई लगे, सेतिकी बेले ओ भिक्षुक ब्राह्मण वो जति भिक्षु को कोभली भाव सहन कर स्थित रही इन ऐसी बौद्धिक स्थित हो चाहे मानसिक स्थित हो यहाँ तक शरीर जंत्रणा को भली भाव से सहन कर इतिहास को मु अवतरण करुची नारायण। एभली भाव कहा जाए कि प्राचीन समय कथा उज्जैन रे एक ब्राह्मण रहंती महाराज, वो ब्राह्मण ब्राह्मण कर्म सहित सहित अपनी खेती बाड़ी अथवा वैश्य कर्म आदि सहित कर्म पूर्वक नारायण तो अनेक धन संपत्ति इकट्ठा कर आरभ आर्ता वृत्ति कर्द यस्तु कामी लुब्धोति कोपन और बातों बातों पर कथा कथा रे क्रोध। ऐसी व्यक्तित्व नारायण ओ कोठी केते बेले मिठास भरी मिठा मिठास भरी कथा कहिवार लोक केही देखि नांती, कहा को सुंदर भाव रे भल रे कथा कहिवार केही देखि नांती। और तार कृपणता एते जे तार पुत्र पुत्री भाई बंधु नौकर चाकर पत्नी आदि समस्त दुखी रहंती एभली व्यक्तित्व रा आचरण रे नारायण। ओ लोक परलोक दोनों से खोया हुआ एबे दान करले दानर महिमा पुनी केते बेले भोग मिलिवो सो ऐसी स्थिति तो है नहीं। तो वर्तमान एबेर जीवन रे भी मध्य कहा को दोनों थिला से धन संपत्ति को एवं कहा को दान आदि करन थिला, जबकि आ पर जन्म रे कोई कर्म फल ता जीवन रे पुण्य फल ही के आसीबो नारायण। ओ एभली भाव रे कहा जाए कि एभली भाव रे जीवन व्यतीत करिबा बेल रे पंच महाजज्ञ रा भागी देवता भी मध्य बिगड़ उठे। ये 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 कौन पंच महाजज्ञ रा भागी देवता? अरे भाई कहिबार अर्थ कदाचित आमे मने कहू कि देखो जी देखो, इस कर्म का अथवा इस धन का अधिपति केवल मु काहे कि आगे मु मुही तक संग्रह कर ची। कितना मेहनत किया मैंने, इतना सारा मेहनत के बाद मुही अकुल अर्जन कर ची। अच्छा भाई अर्जन करूथिला बड़े ये सांसे किसकी बदलौत ले रहे थे आप? निश्वास प्रश्वास भी जदि जत बड़े नौथिले से निश्वास प्रश्वास टा कहार थिला? ये बड़ कहार थिला नारायण। जदि चक्षु देखुची भी मध्य चक्षु रे एक देवता अच्छी जहाँ कहा जाए अश्विनी कुमार, जदि आम मान को संपूर्ण धरती देखा जाऊची तो तार कारण होची सूर्य देवता, जदि आम विचरण करुचंती तार कारण होचंती धरती देवता, जदि निश्वास प्रश्वास आम नौचंती तार निश्वास प्रश्वास नबार आधार होची वृक्ष देवता, संपूर्ण जगत रे जदि औषध सेवन भी मध्य करुचंती औषधि रे मूल देवता होचंती चंद्रमा नारायण नारायण। तो एक कर्म करिवारे कितने सारे देवताओं की कितने सारे प्रकृति हो समस्तंकर आमे सहायता नौचंती। और कर्म रे फल प्राप्त ही सरला परे आमे मने कहु ना 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 ये धन उपरे मोर ही अधिकार अछि। हे उदार उद्धव
पंचमहाभूत यज्ञ भागी एभली भाव जत ना तार जीवन में कौन पुण्य सहारा हेला ना पंच महाज्ञ भागी देवता माने जत तिरस्कार कले ऐसे ही परिस्थिति आसला से मैंने कहू कि जिते जीवन रे भगवान दियंती छप्पर फाड़ के दियंती नियंती जिते बड़े बुद्धि बिगाड़ी दियंती नारायण जो दो जो धन संपत्ति को एकत्रित करके रखी से संग्रह करके रखी ये धन देखु 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 तो अपने ही कुटुंबी माने के ताडू छड़े नेला के ताडू चोरी करके नेला आउ दैव कोप द्वारा किछि नष्ट हो गला और शासक माने भी मध्य तो दंड के रूप में जो बचा हुआ धन संपत्ति आदि ताकू हड़प नेले उद्धव जी एभली भाव रे संपूर्ण संपत्ति जेते बेले ता पाखरु अन्यत्र 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 चली गला और इनके पास ये यति ब्राह्मण पाखरे एकदम धन के नाम से कुछ न रहा सो से धन द्वारा ना से धर्म र परिकल्पना केबे करिछि ना निजे ही केबे भोग करिछि ये धन संपत्ति को। अच्छा तो मोर धन मोर धन मोर धन 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 कही 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 ये भयानक चिंता रे एकदम भयानक चिंता रे युक्त हेला से तो धन रो नाश रे हृदय रे बड़ी व्यथा हवा पाई लगेला मन भितर संसार प्रति दुख बुद्धि एवं उत्कट वैराग्य उदय हवा पाई लगेला मन ही मन विचार करूला काली धन संपत्ति थिला मते भल पाउ नथिले भी मध्य लोक बाहरे सेठजी नमस्ते आपण देखिए कि जने सज्जन धनी व्यक्ति जने रास्ता रे जाउछि जने की कहछि सेठजी नमस्ते बोले अच्छा 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 कहि दबा आगु को गले आउ जने के गोटे दल मिलले बोले सेठजी नमस्कार नमस्कार बोले हाँ हौ हेला मुझे कहीदेवी आगे गले बोले सेठजी नमस्कार नमस्कार प्रणाम बोले अच्छा ठीक है हम बोल देंगे। समस्त मन मन विचार कले ये धनी जी भी प्रणाम कले ताको प्रति प्रणाम प्रति नमस्कार करू नहीं सेठजी राम राम बोले हाँ राम 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 अच्छा ठीक है हम बता देंगे। अरे भाई किसको बताएगा ये कहा को कौन कह ये से निम्ते फिर समस्त पचर पचर ये तथ्य को जानवा निम्ते रहस्य को जानवा निम्ते सब पचर पचर तार गले देखे तो सही है सेठ कहा को कहूँ अच्छा गला गेट खोला उसने अपने दरवाजा खोला फिर अपने ड्राइंग रूम की फिर बेडरूम की बेडरूम के अंतर्गत पूरी तारे भीतर एक गोदरेज फिर उस गोदरेज के और खोला फिर लकर लकिन ओ एकदम नोट की गड्डियां थी नोट र बीड़ा ताको देखी प्रणाम करुची सेठ बोले अरे धन मेरे धन तो उस साहब ने राम राम कहा उस साहब ने नमस्कार कहा उस साहब ने प्रणाम कहा उस साहब ने ऐसी तो समस्त पचर था कि कहले अरे बाबा रे बाबा आमे तो आपन को सेठ जी आमे तो आपन को राम राम कहिथिलु ये टंका गुडा को थोड़ी राम राम कहिथिलु। सेठ जी ने कहा रे भाई नहीं 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 काली मु निर्धन है कि जते बेले बोलुथिली सेते बेले तुम्हें माने मते केही हेले पचर नथिले एबे थोड़ा धन संपत्ति के आ गया तो सब सब अपने अपने कोई राम राम कोई कुछ के किछि कहूछि नारायण आबे परसु जाबे परसु बाबू परशुराम पैसा क्या न करे काम ये दुनिया गोटे भाषा को बुझे भल भाव बुझे से पैसा तो एभली भाव प्राय देखा जाए कि कृपण पुरुष को धन रे केवेले भी मध्य सुख प्राप्त हुए नहीं। जो ध्यान दीजिएगा कि जो धन संपत्ति को से एकत्रित संग्रह करके रखी तार लक्ष्य टा कौन आ गया तार लक्ष्य केवल और केवल सुख प्राप्ति
किंतु सुख प्राप्ति सिना लक्ष्य किंतु धन संपत्ति कोई सज्जन व्यक्ति मार्केट जाऊ भोक प्रबल लेकिन एक लाल लाल नोट पकड़ के बैठा मनी मन बाहर कर बोले बाबा रे बाबा ये 2000 टंका बड़ा मुश्किल ने तक नहीं कि अच्छी पुनी तक चेंज कर देगी नहीं 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 था पूरा सब बड़े भूको भूको रे आतुर है कि कोई खाद्य वस्तु पदार्थ पक जाओ से पुनी निजर पॉकेट को 2000 वाला नोट को देखो बोले नहीं 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 खा नहीं सकते अथवा को जीवा पाई केमते देवी एते सहजरे हरे कृष्ण किसी दिन पूर्वरु आम संगरे किछ लोक जाइथिले नेपाल काठमांडू दर्शन करिवा निमन्ते पशुपतिनाथ बड़ा अच्छा है कि इंडियन करेंसी अनुसार यदि आपण 100 टका देबे तो 160 टका मिलिवो यदि 40 रुपया नारायण 40 टका यदि गोटे ब्रेड रो कॉस्ट ते माने 100 रुपीस इंडियन मनी देले से आहुरी 120 टका फेरेबो 100 टका देले 120 टका फेरेबो लोक मानकर आनंद जे कहिले न सर हरे कृष्ण कि हमें 100 टका देले ब्रेड भी पाउचू ता संगे 120 टका नेपाल मन बड़ा बड़ा उत्साह उत्सुकता के साथ लोग खरीद रहे थे लेकिन फागड़ा कथा हो जे कि जो धन जदि धन संपत्ति जदि आम मान पाखरे अछि एवं ओ धन संपत्ति ता आम मान सुखर कारण न हला अब सुखर कारण नहीं कि दुखर कारण हवा पाई लगेगा नारायण नारायण वो तो फिर गड़बड़ जो आशा रे धन संपत्ति को जने एकाठी करी से धन संपत्ति रे लक्ष्य कौन बोले निज को भोग प्रदान करिबा निज को सुख प्रदान करिबा जदि भोग अथवा सुख प्रदान करिबा रे समर्थ हैला नहीं चलो कम से कम तो एई धन को प्रयोग करके आप परजन्म देखिले पाई बुनिथिले दाई पड़िया भूमि रे गोधन चराई नारायण ना दान रे उपयोग हैला ना यज्ञ रे उपयोग हैला ना निज पाई से प्रयोग करिला रखी कौथि पाई हरे कृष्ण जिनको कभी जरूरत नहीं है यशो यशस्विना शुद्धम श्लाघ्याम ये गुणिना लोभ स्वल्पो पितान हन्ति स्वित्रो रूपमिवोप्सितम् बोले नारायण ए उद्धव प्रायणार्था कदर्याणाम न सुखाय कदाचन इह चात्मोपपाता पाय मृतस्य नरकाय च प्राय एवली भावरे देखा जाए कृपण पुरुष धन निजर धन द्वारा के सुखित हुए नहीं नारायण और चिंता ये धन सुरक्षा चिंता रे सदा सर्वदा दाह अथवा हृदय कष्ट हुए एवं एवं ये तो ये निजे कभी खुद ही नींद नहीं ले पाता निद्रा निमंते जो धन संपत्ति को संग्रह करती गोटे समय एभली भावरे आसे से व्यक्ति केवल धन र सुरक्षा चिंता रे नींद गायब हो जाती है एवं पर मुहूर्त रे यही धन तो जीवन नरक रो कारण ही जाए यानी परजन्म यानी लाइफ आफ्टर लाइफ जीवन उपरांत से व्यक्ति से धन रो उपयोग न करिबा जोगु नरक आदि प्राप्त है। अच्छा यशो यशस्विना शुद्धम श्लाघ्याम ये गुणिनाम गुणा जो बोली भाव रे सामान्य कुष्ठ रोग सामान्य कुष्ठ रोग जो भली भावरे सर्वांग शरीर को विकृत करे दबारे समर्थ है सही भली भावरे तनिक लोभ यशस्वी व्यक्ति र जस गुणी मानंकर गुण प्रशंसनीय गुण नारायण ये सब के सब दो मिनट में खत्म। जिसने किसी ने कहा अरे बड़ा यशस्वी अरे काहे का यशस्वी विपत्ति पड़ने पर नारायण तो एक धन की सहायता नहीं मिलती काहे का यशस्वी हरे कृष्ण ना निज पाई खर्च करुची ना अन्य पाई ना निज पाई ना निज परिवार वर्ग पाई हरे कृष्ण तथे ही वचन ये तो हद हो गई।
अरे भाई ये धन संपत्ति को संग्रह करिवार लक्ष्य टा कौन ना निजे शांति रे रहुची ना अन्य काहा को शांति रे रहिवार चेष्टा करुची। धन जितेबेले जने संग्रह करुची दुख अर्जन अर्जिते जेते धन नारायण। तो आप देखो 17 नंबर श्लोक बड़ा सुंदर, अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयास त्रास चिंता भ्रमो नृणाम। अच्छा, स्तेय हिंसा अनृतम दंभ काम क्रोध स्मयो मदह भेदो वैरम्य विश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च। धन को अर्जन करिवारे, धन को अर्जन करि सल्ला परे ताकु पुनि संवर्धन करिवारे, धन को रखिवारे, धन को खर्च करिवारे एवं धनर नाश हि जिवारे संभावना रे तो एवं धनर उपभोग रे। तो नारायण जोठि देखिले भी मध्य तार परिणाम ता कोन बोले महाराज परिश्रम धनर संग्रह रे, धन को सुरक्षा करिवारे भय, रात्रि सोई चिंता। नारायण ये सब के सब तार सामना करिवा को पड़िबो जे जदी धन अछि। अच्छा, ये धन संग्रह संग्रह आउ कोन आसे बोले महाराज चोरी। देखो जने जन को जत्ते भल पाउथ प्रेम अलग भी, लेकिन विश्वास अलग। बापा मा माने पिला माने को बहुत विश्वास करते थे, कौन से दुनिया नहीं, किंतु चाबी टा दब नहीं रे बाबा की कहा, ये चाबी तो अपना है। बच्चों के एकदम सा भूरी भूरी प्रेम करे, लेकिन चाबी अपने पास क्यों नहीं, नहीं ये छुआ को विश्वास नहीं। तो यहां तक श्री शंकराचार्य जी महाराज कौन अर्थम अनर्थम भावय नित्य, जोठी अर्थ अच्छी सेठी अनर्थ सही बच्ची। तो धन के साथ साथ फ्री मिली महाराज नारायण, चोरी हिंसा मिथ्या दंभ काम कामना क्रोध गर्व अहंकार भेद बुद्धि शत्रुता अविश्वास स्पर्धा, स्पर्धा माने अच्छा तोर कितने अच्छे मोर कितने ना, कम से कम आज जन व्यक्ति को कंपटीशन करते 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 वहां मैं भी कभी वहां पहुंच जाऊं, उसके पास ये गाड़ी है मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो है मेरे पास ये है, गाड़ी तो ले आया लेकिन चढ़ता नहीं कभी, हरे कृष्ण। लंपटता जुआ मद्यपान नारायण नारायण, ये 15 अनर्थ मनुष्य र धर्म कारण रु नारायण ता मन को मन प्राप्त हो जाए सहज भाव रे। सतिनिमन्ते कल्याणमयी कल्याण कामी पुरुष सदैव स्वार्थ एवं परमार्थ विरोधी कोई अर्थ नाम अनर्थ को से दूर रु छाड़ दिए। सतिनिमन्ते जो कल्याण पुरुष जो व्यक्ति के पास धन आवे सो से भागवत कौन कहू धन अर्जने धर्म करी धर्म प्राप्ते नर हरि। धन धनात धर्म प्राप्ति, धन का एक लक्ष्य है, धन को यदि धर्म शरण रे रखिवे से निमंते हमारे सनातन परंपरा रा जो ऋषि ये चारोटी पुरुषार्थ को अलग अलग भाव रे कहा को स्थिति रे रखा जीव बड़ा सुंदर व्यवस्था कर जाते। चार पुरुषार्थ को सर्वप्रथम धर्म आधार जीवन रो, अर्थ धर्म को आधारित करके अर्थ अर्जन किया जाए एवं जो अर्थ से बड़ी भाव रे हिंदी रे गोटे कहावत थी तो कंबल की अनुसार कंबल की लंबाई चौड़ाई के अनुसार अपने पैर फैलाओ, फैलाना चाहिए। तो
तो अर्थ जी अच्छी से तदनुसार कामना जदि जन व्यक्ति करुच्छे तो स्वाभाविक भाव अर्थ ना कामना आम मान दंडनीय अथवा चिंतनीय हबनी अथवा वो कामना हमें दुखर कारण हबनी। देखो एभली भाव कहा जाए जैसे कि मैं कहीं गया किसके घर घर देख बहुत सुंदर व्यवस्था अच्छी और सुंदर कोई व्यवस्था कोई द्रव्य कोई वस्तु मो नजर को आसला पर जदि मुझे कहूँ अरे बाबा ये कहाँ मिलता है मेरे घर भी ये होना चाहिए ये भी गोटे कामना। अच्छा पुणी जदि मुझे पचारे महाराज ये वस्तु अथवा ये द्रव्य टा के टंका टा अच्छा जदि मोर सामर्थ्य अंतर्गत अच्छी से धन से धन को एक संग्रह करिवार निमंते मो पॉकेट अलाउ करुछ नारायण तो सेथिपाई मु चिंता करी ना दुख हब ना मते जंत्रणा हब कहले कहले जदि मो कामना मोर अर्थ के अंतर्गत थिबो मोर सामर्थ्य के अंतर्गत थिबो सामर्थ्य अंतर्गत कामना गुड़ा को सुख दियंती से ना दुख दबारे संभव है परे ना वो भी एक कामना लेकिन वो कामना दुख दबारे समर्थ न हो जो कामना जदि आपणकर सामर्थ्य अंतर्गत अच्छी वो सामर्थ्य अंतर्गत कामना आपन को सुख दिए किंतु दुख न हो लेकिन हाँ सामर्थ्य न हो जदि कौन सी कामना आपण करले सही कामना टा आपण को दुख दब से निमंते धर्म होची आधार धर्म को आधारित करेगी धन संग्रह करे और वो धन धर्म अर्थ अर्थ संग्रह करे पुणी अर्थ के अनुरूप कामना उच्चरितार्थ करे एवं सबसे सर्वकामी महाकामी यानी मुक्ति प्राप्त करिवार निमंते तीव्र इच्छा ले और परमात्मा भगवान कर सानिध्यता प्राप्त कर लिए सबसे बड़ा कामना। लेकिन आम मान को कौटी ना कौटी ये व्यवस्था भीतर आम मान निजे निज को सजाड़ी पार ना नारायण नारायण से जाए भाई बंधु स्त्री पुत्र माता पिता सगे संबंधी तो स्नेह बंधन रे बांधी की बिल्कुल एक रहंती। अच्छा आपण कहले जने मां समदृष्टि तार पिला मान का प्रति लेकिन सेठी जने एकदम बात रही बोलू आउ जने एक लड़का जो है लाखों करोड़ों कमाऊ तो मां टे काहे को भल पाइबो नहीं स्वामी जी दिजन जाक भल पाइबो। अच्छा भल पाइबो ठीक है ठीक अरे तापाई से लोक जाई कड़े नहीं आसब ताको बाड़ी की सेठी थोई दी थियो लेकिन कोई करोड़ों कमाने वाला लड़का आया नहीं माँ इधर से उधर उधर से आया नहीं आया नहीं। अब देखो एकाग्र तक कोठे ना कोठी अरे भाई सामाजिक व्यवस्था भीतर भी मध्य जो जहां बैठा हुआ है यदि ऑर्गेनाइजेशन रे हो परिवार रे हो सामाजिक स्थिति रे हो जो उठी अपना धन व्यय करिवे नहीं तो जश मान प्रतिष्ठा की कोठी ना कोठी धन का मतलब केवल ये अर्थ से नहीं धन अर्थ बुद्धि से धन अर्थ भावना से धन अर्थ अपना समय दवा रे नारायण उस समय देने से अथवा मन बुद्धि सुंदर विचार दबा रे तो धन की स्वरूप एकदम अलग अलग मारा थोड़ा ये मेरा काम करवा देना नहीं मेरा साथ नहीं दे रहा है तो शारीरिक धन उपमान समय दान भी ये सबसे बड़ा धन 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 है। कोई धन दे दे कोई समय दे दे कोई बुद्धि विचार दे दे तो सामाजिक व्यवस्था रे भी मध्य जदि आम एति मध्य जदि केबे दबार संभावना कुछ न लगे तो वहां खड़े नहीं हो सकते। थोड़ी देर के बाद से मैंने कहे महाराज अपन बाहर ले हरे कृष्ण। तो
ये धन पाई ही, धन पाई ही जने जन को यहाँ तक जीवन हानि करिवार संभावना माँ को पिता को बंधु को भाई भाई को पिता पुत्र को पुत्र पिता माता को नौकर चाकर को नारायण मालिक अथवा नौकर मालिक को अनेक धन निमंते अनेक सारा विघ्न ये धन प्राप्ति करिवार आशा ही जने जनकर प्राण का शत्रु ही जाए नारायण तो ये बोली भावर ये मनुष्य शरीर आप देखो हे उद्धव जो शरीर खंड का मोक्ष करी द्वारा बोली कहा जाऊ जदि 84 लाख जीवजाति मानक भीतर एक मनुष्य मनुष्य शरीर प्राप्त हेलार अर्थ कहीं ना कहीं मुक्ति द्वार रे ठिया है मुक्ति मानो अपेक्षा करो छी जदि मनुष्य शरीरता को प्राप्त है छी तो सेतिपई रामचरित मानस रे बड़ा सुंदर भाव रे तुलसी जी लेखन साधन धाम मोक्ष करि द्वारा पाइन जेहि परलोक विसारा बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा महाराज देवता हंतु चाहे गंधर्व किन्नर ऋषि तो समस्त को जना अछि कि ये बड़े भाग मनुष्य तन पावा बड़ी भाग्य रे ये मनुष्य शरीर प्राप्त है ध्यान देना जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भगवान भी अति प्रसन्न हो ही जानती मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान भगवान को भी अच्छा लगता है जिते बेले ये मनुष्य शरीर प्राप्त करिवार निमंते मुक्ति प्राप्त करिवार निमंते यज्ञ आदि करिवा निमंते यज्ञ जागा आदि कौन सी दान पुण्य करने के साथ साथ जिते बेले मनुष्य चेष्टा करे देवता माने भी खुशी जाते अच्छा तो ये बोली भाव रे ये विचार करुचंदी जति ब्राह्मण कि मुनि जर कर्तव्य रे च्युत हो गलानी तो मु मो प्रमाद वशतः निजर आयु धन बल परुष्य सब किछ मोर हजी गलानी और ए भली भाव रे जने व्यक्ति जते बेले निजे आत्मविश्लेषण करिबा पई लागिव अरे जो धन टिकी क पई मोर बल धन के पीछे तब तक पड़ा रहा पड़े रहते हैं लोग जब तक निर्धन नहीं हो जाते अथवा प्राण निश्वास निश्वास पर्यंत और चाहिए और चाहिए और भाई करिबे कोन मुआं को पाई रखीबी सेठी रखीबी एठी मोह ममता लेकिन से माने कौन करिबे हरे कृष्ण अथवा ये जीवन उपरांत यात्रा जोठी होची ए धन संपत्ति अपन को कोन काम रे आछो जहाँ को एकदम सा वृद्ध हेला पर्यंत अथवा मृत्यु के सानिध्यता प्राप्त हुआ पर्यंत मु मोर 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 दे समस्त धन को एकाठी करके व्यर्थ चेष्टा व्यर्थ आयु तारी निमंते हमें माने खर्च करछन बड़ी मुश्किल से जो जन्म जन्मांतर अनेक पुण्य के आश्रय से कम ये निश्वास प्रश्वास नबा को टिके आयु मिली से आयुटा को यू ही छुमंतर हरे कृष्ण तो ये बोली भाव रे विचार करी कि किम धनेर धनर देवा किम कामेवा काम देरुतः मृत्युनाम ग्रस्यमानस्य कर्म भेर बोत जन्म जन्म देहि अच्छा ये धन के चक्कर में बारंबार ज्ञान निज भोग करी पारे ठीक रे ना अन्य को से दो धन जने व्यक्ति तो
ଏଭଳି ଭାବରେ ଧନରେ ନା ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ନା ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। ଏସେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ନା ଗ୍ରସ୍ୟମାନ ସେ କର୍ମ ଭିର ବୋତ ଜନ୍ମ ଦେଇ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଏକଦମ ସକାମ କର୍ମକୁ ଆଉ 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 ଆହୁରି ବାଡ଼ୁ। सकाम कर्म रे लाभ कौन, जो सकाम कर्म द्वारा जो धन प्राप्त काम मन को है से धन ना निज पाई ना अन्य कहा पाई। अच्छा, इसलिए मन ही मन तो जन व्यक्ति परमार्थ तत्व को प्राप्त करने पाई हेले जन व्यक्ति एभली भाव चिंतन करके सावधानता है जीवार आवश्यकता अच्छी कि मोर चिंतार कारण कौन धन, बल्कि मो चिंतार कारण हवा कथा आयु बीत गई, आयु बीत गई केवल रही तो कौन रही कहले खाली मेंचाए चिंता, लेकिन जिते बड़े पर्यंत परमार्थ दृष्टि न प्राप्त हब से बड़े पर्यंत बस चिंता चेतना दुख जंत्रण। इसलिए तेरो हवाले गिरिधारी तू जाने तेरो काम जाने, अब छोड़ दिया सब भार तुमी पर, जीत तुमी पर हार तुमी पर, मिट गई चिंता सारी तू जाने तेरो काम जाने। तेरो हवाले गिरिधारी अथवा तेरो हवाले मेरो गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने। तो ऐसा भावना जन व्यक्ति यदि रहे तो स्वाभाविक भाव रे वो मस्ती केते बेले आसीबो, जते बेले परमार्थी हब जन व्यक्ति परमात्मा को अस्तित्व को बोध करिवो निज भितरे, मैं उन्हीं का हूं, मोर परमात्मा मैं आप ही का हूं, नारायण नारायण। तो निश्चित भाव रे वो देवता माने भी मध्य और ये सामाजिक व्यवस्था भी मध्य, महाराज हमारे सनातन व्यवस्था सदैव नित्य निरंतर त्याग को ही, त्याग के ही पुजारी है सनातन व्यवस्था। जोठी त्याग देखा जाए स्वाभाविक सेठी मुंड झुकी जाए, अदरवाइज जो मोर 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 गोटे क्षण रे भले आमे माने कोई धन र प्रभाव रे प्रभावित है कि मरे नमन कर दो, लेकिन परमोत्तर ऐसे बोलने ला, अरे साधंतु से कथा अरा ए भली भाव रे निराश हबार कौन से कथा नहीं। जदि जन व्यक्ति पाखे अछि तो परमार्थ दृष्टि प्राप्त करिवार आवश्यकता अछि। तो काहे कि ना राजा खट्वांग राजा भी मध्य मन ही मन विचार करुछन मुहूर्तेन ब्रह्मलोकम खट्वांगम समसाधय, अरे गोटे क्षण रे परमात्मा को प्राप्त करिवार निमन्ते गोटे क्षण तो लागिथला खटवांग राजांकु, तो सेथिपई मो पाखर तो अनेक समय अछि, बोले धन नहीं मान नहीं जस नहीं प्रतिष्ठा नहीं किंतु मोर आयु टिकी कथा अछि। तो ए भली भाव रे चाहे संयोग वशत हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन धन हानि हेला परे एकदम वैराग्य हो गया ये जति ब्राह्मण, हालांकि कुछ तो संस्कार हुआ होगा। भगवान श्री कृष्ण कहउचंदी जे उद्धव जी एभली भाव रे ये उज्जैन निवासी ब्राह्मण मन ही मन एभली भाव रे निश्चय करिकी मु एवं मोर, तो नारायण ओ गंठी जो भीतर बसिछ ना मु एवं मोर, मोर एवं मु जड़ चेतन ग्रंथी परि गई नारायण, ओ जो प्रकृति पुरुष रे गंठी पड़ी ओ गंठी को खोली देले ये जति ब्राह्मण को भली भाव रे आ परे शांत है कि मौनी सन्यासी हे गले। अच्छा शांत है कि बोले अरे महाराज जने व्यक्ति रो मानो की धन हानि हे सल्ला परे जस्य मान प्रतिष्ठा जते बेले चली जाए सेते बेले हाय मेरा धन, हाय मेरा धन, हाय मेरा घर, हाय मेरा घर, तो चिंता कर। किंतु जने सज्जन जने विवेकी व्यक्ति अथवा जने परमात्मा अनु परमात्मा परमार्थ पत्थर अनुगामिनी कोई व्यक्ति हो तो स्वाभाविक अपने आप को संभल जाता है। एबे कौन तारंकर चित्र कौन सी स्थान वस्तु व्यक्ति प्रति आसक्ति रहिला नहीं और
वो भिक्षा निमन्ते नगर एवं गाँ को जिते बड़े जानती नारायण वो एभली भाव में जानती जमती कहीं चिन्ह पारे ना नारायण किंतु सामाजिक व्यवस्था रे जिते बड़े सब प्रवेश करती कौन सी व्यवस्था भितर को तो किए के दंड नहीं जाए बाड़ी खंड को कि केते बेले भिक्षा पात्र टाकु झटक देता है कोई निकि छिन छड़े आने पुनी पकई दिए नारे केही कमंडल टा उठाई कि निकि आसी गलगा कोठी कि आसन ता नहीं जाए कि रुद्राक्ष माला रा टाणी ने लागे नारायण और जो कंथा जो कपड़ा दीटा को धरिचि केते बेले को शयन करूचि तार आश्रय टाकु आश्रित करकी तो ताकु केते बेले कि फोपाड़ दउछि नारायण तो केते बेले लंगुटी की फोपाड़ी देलानी तो किए तार वस्त्र फोपाड़ी देलानी अच्छा तो केबे केबे खंडे दूर रे बड़ा अद्भुत भगवान कर बाणी उदाय प्रदाय च पुनस्तानी दर्शितान्य ददुर मुने ये जति ब्राह्मण को यदि कोनसी की बड़े छक्की कमंडलुटा छड़ी की नहीं गला पुनी खंडे दूर जाएगी दौछि प्रदाय पुणी आणवा पाई गला बेले पुणी ताकु खंडे दूर रे दौड़ी गई ए सही चीडा ते थे नारायण तो जते बेले से अवधूत महाराज मधुकरी मागी के नेके आस्तले केतेटा घरु ओ नदी तट रे नदी कूल रे भोजन करिवा पाई बसेला बेले पापी माने केबे केबे नारायण नारायण केबे मुंडरे परिसरा कर देलेनी केते बेले थुंक देलेनी तो मौनी अवधूत की तरह नारायण बारंबार विचार करती है किसी तक कहू लेकिन वो मौन हो जाते नारायण जितेबले किसी कहू नी अवधूत भली जो जति ब्राह्मण नारायण केवे ताकु गाली दौले तो केते बले ताकु पिटुले एवं केवल से नुह बेले बेले चोरी चोर 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 कहिकी ताकु डांटते डपटते गाली माने दियंती नारायण कहिवार अर्थ की तो की कहिला ने अरे ये बगुला भगत बड़ा ढोंगीटा है नारायण अनेक अनेक प्रकार की कष्ट तंको दियंती केते बेले गर्मी रो केते बेले सर्दी रो केते बेले दैवी कष्ट तंको उठिया को पड़े ए बणी भाव रे किंतु से सहन केमति करथले एवं स भौतिकम दुखम दैविकम दैहिकम चयत भक्त व्यक्त व्योमात्मनो दिष्टम प्राप्तम प्राप्तम अवुध्यता। देखो ये तो रहा दुनिया रूप जो अनेक प्रकार की संभावना जो दुख जंत्रणा प्राप्त है उसके अलावा ये जगत रे भी मध्य केते बड़े आदि दैव दुख जैसे कि वर्तमान इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे नारायण केते बड़े बढ़ी आसलानी केते बड़े बात्या आसलानी केते बड़े आउ की हेलानी केते बड़े आउ कौन हेलानी तो से जड़े मनुष्य कृति कौन ही पारे नारायण जड़े मनुष्य कृति केवल पारे सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम नारायण प्रतिकार कौन करिवे से बढ़ी आसला कौन प्रतिकार हबो नारायण संभावना अच्छी प्रतिकार करिवार लेकिन वर्षा हला से वृष्टि को रोकने के लिए क्या संभावना आपण करि परिवे गर्मी हला से गर्मी को शांत करिवा पई कौन संभावना एसी के अंदर घुस जाएंगे अच्छा कब तक हरे कृष्ण चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो चाहे जो भी शीत हो तो सहा जाता है भाई सहनम सर्व दुखानम अप्रतिकार पूर्वकम ऐसा विवेक चोड़ामणि देखो आ रहा एवं स भौतिकम दुखम दैविकम दैहिकम चयत भोक्तव्य आत्मनोदिष्टम प्राप्तम प्राप्तम अबुध्यत तो जहा जहा को जिते भिक्षुक ब्राह्मण अथवा यति ब्राह्मण अथवा अवधूत वत रहुले तो समस्त दैव कष्ट हो आध्यात्मिक कष्ट हो उसके साथ दैव अध्यात्म चाहे भौतिक कष्ट हो सबको तरह तरह की नारायण नीच मनुष्य अथवा दुष्ट मनुष्य जिते बड़े कष्ट दौले समस्त कष्ट को सहन कर परिभूत इमाम गाथाम अगाय नराधमय ही पात यद्यपि स्वधर्मस्थो धृतिमास्थाय सात्विकम नारायण निजर दृढ़ता
इतना दृढ़ता था अवधूतों के पाखरे जतीन के पाखरे, जबकि वो सात्विक आश्रय नहीं की, परमात्मा रूपी सात्विक आश्रय नहीं की, तो समस्त समस्त जो निंदा स्तुति आदि को सहन पूर्वक निजे गाउथिला जति ब्राह्मण। कौन गाउथिला बाबा? जो गाउथिला उद्गायंती जो वो ताको कहंती उद्धव ए कौन कहले क्या भिक्षु गीता। ये भिक्षु गीता रे बड़े प्रसिद्ध। अच्छा कौन गाउथिला? नायम जनो में सुख दुख हेतु। इसलिए जो सज्जन जहाँ परिवार भी मध्य त्याग कर दिलानी, सामाजिक व्यवस्था भी मध्य त्याग कर दिलानी, परिवार अपने पास है नहीं, जो कि अरे कहीं फोन आसलानी, कहीं की कहीं आसलानी, पिला माने होते पचारू ना आदि आदि, जितने शिकायत करने वाले लोग, कम से कम ये प्रसंग को जरूर अध्ययन करवा कथा। विदेश रे छुआ माने बुढ़ा बुढ़ी दिन तमाम अपेक्षा करके लगती हूँ बस कितने बड़े फोन टैस। अरे भाई थोड़ा जप किया करो, थोड़ा तपस्या किया करो, थोड़ा अध्ययन स्वाध्याय समय को उठी समझे हरे कृष्ण। अरे ऐसी विद्या को साधिवा कथा जो जीवन उपरांत भी सहायक हो एवं इह जन्म रे दिव्य शांतिर अनुभूति हो। नारायण तो ब्राह्मण उद्घोषणा करुचंति नायम जनम में सुख दुख हेतु मोर मते सुख प्राप्त हवा अथवा दुख प्राप्त हवा। नारायण ये अन्य कहीं कारण नहंती न देवतात्मा ग्रह कर्म कालाह मोर सुख दुख र हेतु मोर सुख दुख र कारण न देवता न आत्मा न ग्रह न कर्म न काल न मन मन परम कारण मानम माननन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेत। नारायण तो दुख र कारण ना ये मनुष्य लोक मनुष्य माने ना कोई देवता ना कोई शरीर ना ग्रह ना कर्म ना काल आदि ये माने केही भी मध्य मोर दुख र कारण नुहंती। अच्छा आमे जहां जहां को कारण बोली मानुछु मो दुख र कारण होची ए लोकटा मोर दुख र कारण मोर पड़ोसी मोर दुख र कारण ये मोर देहटा भलो लागु नै मो मनटा भलो लागु नै। नारायण ये ग्रह त एपट सेपट हि जैसि औ सब उल्टा पल्टा देखो छोट पिला माने पाठ पढु नथिबे से पिला मन बापा किछि बुद्धिमान व्यक्ति बापा मा ज्योतिष पाखु जिवे ज्योतिष कहिबो कोन कहिबो कोन त गोटे कहिबो नै नै वर्तमान तार एबे भारी खराब समय लागि पड़िछि और बापा मा आसिक से छुआ मान को समस्त बंधु बांधव फोन करी करी नै तार बापा भलो समय नै एबे खराब समय चली तार ग्रह ठीक नै। नारायण से जुआ जा छुआ जा साइकोलॉजिकली पढ़ीबा पई बाहर थिवो से और बिगड़ता जाएगा तार बे बा भलो नै। हरे कृष्ण तोर भलो छि ना नै ए बाबा। तो इसलिए कोई ग्रह कोई कर्म ना 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 शायद मोर कर्म रो फल। नारायण कोई काल एमाने मोर मो न सुख दुख हेतु हो एमाने सुख दुख हेतु नहंती मन परम कारण मानंती संसार तंकरम परिवर्त ये तत बोले को बोले भावरे। देखो सर्वप्रथम भिक्षु महाराज निजर मन को चिंतन कले मनोगुणान वै सृजते बलीय अध्याय नंबर 23 और श्लोक नंबर 44 मनोगुणान्वयी सृजते बलीय ततश्च कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि तेभ्यः सवर्णा सुतयो भवन्ति। सतरये मन ही सबसे बड़ा बलवान मनैव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। भगवान कृष्ण उद्धव को केबे केबे कहने मन ही मन तोहर निज गुरु उद्धव केते तू पचारु मन ये मन ही बंधन र कारण मन ही मुक्ति र कारण ये मन सबुठ बड़ा बलवान। और नारायण यही विषय जगत के काठी करुचि ये आर कारण रु गुण संबंध नारायण समस्त वृत्ति गुड़ाक सृष्टि करुचि सुख यही सृष्टि करुचि और दुख यही सृष्टि करुचि।
और यही वृत्ति अनुसार जन व्यक्ति सात्विक राजसिक तामसिक अनेक प्रकार कर्म ये आम भितर प्रतीत हो। अच्छा, लेकिन जन व्यक्ति सात्विक कर्म करुचे ता मनटा सात्विक, जन व्यक्ति राजसिक अथवा कोई कर्म करुचे पशु हिंसा आदि चलचंचल बोले तार मन स्थिति। अच्छा, जन व्यक्ति तंद्रा निद्रा कोई काम काम मन लगू नहीं, कुल मिला के कौन मन ही लगुनी। हरे कृष्ण, ये मनसी मनु मन ही समस्त चेष्टा करे और परिशेष रे तो अन्यथा ज्ञान शक्ति प्रधान। और तो और गोटे दृष्टि देखिले अरे मनटा कहार मनस्य मन ये मनटा कहार, मन को चेतन देने वाला चेतन चैतन्य पुरुष वास्तव रे तो ये मन ही मन जो आमे माने मुं करुची मुं भोग करुची मोर देह मोर इंद्रिया मोर प्राण तो महाराज मुं एवं मोर को जोड़ने वाला ये मन ही तो है कनेक्टिविटी देने वाला। यदि मन नहीं नारायण माने जने भोजन करुची किंतु मन नहीं। हरे कृष्ण, जने लोक कर्म करुची किंतु मन नहीं। ओहो, तो मन ही है जो सदा सर्वदा तू कोई धर्म के साथ जोड़ देता है अधर्म के साथ जोड़ दे, लेकिन ये धर्म को प्रवृत्त करुची तार त्रिगुण प्रकृति गुण वो प्रकृति गुण ताकु प्रभावित करके सत्व गुण सत्विक प्रभाव हेले सत्व भावना सत्व कर्म सत्व चेष्टा राजसिक भावना। इसलिए प्रेरक शक्ति होची प्रकृति तार प्रकृति मनुष्य को अथवा मन को ही प्रभावित करुची मु सेतिर प्रभावित नुह। अच्छा, दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतम च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनो निग्रह लक्षणान्ता परो हि योगो मनसः समाधिः। देखो, ये मन को समाहित करिबा पई समस्त योग साधना कौन कौन, चाहे जने व्यक्ति दान पुण्य करुसी, चाहे व्यक्ति धर्म पालन करुसी, चाहे नियम यम नियम पालन करुसी अथवा इंद्रिय संयम मन संयम करुसी नारायण। और फिर तो कोई वेद अध्ययन करुची, कोई सत्कर्म करुची, कोई ब्रह्मचर्य व्रत आदि धारण करुची, ये समस्तंकर अंतिम जो निर्णयात्मिका फल होची केवल आउ केवल निजर मन को एकाग्र करिबा, मन समाहित करदबा निज स्वस्थिति रे। अच्छा, जहार मन शांत समाहित तो दान आदि समस्त सत्कर्म र फल तमने ताको प्राप्त हे सरी नारायण। तो एथिरे कोनसी संदेह नहीं, जहार मन चंचल अथवा लालस्य आलस्य अभिभूत होची तो नारायण तो ताकू ही आवश्यकता अच्छी शुभ कर्म रे एपर्यंत भाविया कथा मुते शुभ कर्म करुची एते दान पुण्य करुची जम नियम वेद अध्ययन सत्कर्म आदि करुची किंतु यदि मन एकाग्र है नहीं समाहित है नहीं तो एपर्यंत से वास्तविक से कर्म अथवा दान पुण्य आदि कर्म जो फल मिलवा कथा से फल आम मन को मिली नहीं बोली विचार कर दिया कथा। अच्छा, से निमंते ये सतरे मनोबसेन्ये ह्यवनन ह्यभवन स्मदेवा मनस्य नानस्य वसम समेति, जो वशीभूत नहीं मनटा ही शत्रु, वशीभूत है मनटा होची आमर मित्र, शत्रु के मित्र के बोले मनुज मनटी तोर शत्रु मनटी तोर मित्र। किंतु जो मन यदि वशीभूत है आपके इच्छा अनुरूप इच्छा के अनुरूप से मानुची तो मन मित्र, लेकिन कोई न माने किसकी मन मन नहीं मानता। अच्छा, मन नहीं मानता मु भाविलणि ये करिबा पई जे मन हो नहीं परा, पुण्य कर्म आड़ को मन हो नहीं, धर्म कर्म आड़ को मन हो नहीं, जिते अपकर्म से भीतर मन आकर्षित हो जात बसे तम सही देव देव
नारायण नारायण। तो सेति निमन्ते जदि भल भाव रे जन व्यक्ति ए भलि भाव रे मान्यता ग्रहण करे मु एवं मोर ये दोनों को जोड़ने वाला किए बोले मन। इसलिए मु मन वशवर्ती हेबे नहीं, मन ही मन विचार करुचे से कि ये मन भ्रम रे फसिकी मुँ और ये मोर। अरे वास्तव रे मु तो एकला, मोर जति दूसरा, हमसे अलग। तो मु अलगा मोर देह अलगा, मु अलगा मोर मन अलगा, मु अलगा मोर बुद्धि अलगा, मु अलगा मोर प्राण अलगा, मु अलगा मोर इंद्रिया अलगा। ये गुड़ा का सबके सब प्रकृति के अंतर्गत, तो इनके चक्कर में मुझे नहीं आना है नारायण। तो मनी विचार विचार कर सर्वप्रथम ये मनुष्य लोक मनुष्य गुड़ाक न तो कुल मिला के कौन मन ता तो मोर बंधन कारण नुह कि मन ही मोर मुक्ति कारण। तो इसलिए जगतर अल्पत्व को जल्प जगतर निसारता को जगतर क्षणिक अथवा अनित्यत्व को विचार करके मन को अपने चित्त को परमात्मा की ओर लगा देना चाहिए। अच्छा पुणि विचार करुचंद मध्य जनस्य हेतु सुख दुख योश्चे किमात्मनश्चात्र हस्भौम योस्तत। बोले सतरे कौन ये मनुष्य गुड़ा का मोर दुख र कारण? नहीं 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 नहीं, मुँ तो आत्मा, ये जगत तो सहित मनुष्य मान का संग रे मोर कौन लेना देना। यहां तक जदि मो देह संग रे लेना देना नहीं मोर, ताले मनुष्य मान का संग रे कौन लेना देना। कहीं सुख दुख पहुंचा ये माटी शरीर, तो जी दुख पहुंचाऊ से भी माटी शरीर, जी दुख भोग करे भी मध्य माटी शरीर। हरे कृष्ण तो देखो निज भितर किना केते सुंदर चिंतन। 51 नंबर श्लोक जी हुआ कचित छंद संति स्वदद्धि स्वे तद्वेदनायाम कतमाय कुप्येत। जदि दांत द्वारा जिह्वा को केते बेले आपण कामडी देउचंदी कदाचित रक्त भी बाहरुची, किंतु दांत कण ताकु दंड दउची कि तापरे कोप होउची कि तापरे क्रोध करुची। अच्छा जदि मने 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 ये विचार करिबा नै ए जो मनुष्य माने मनुष्य 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 रे दुखर कारण नहु, शायद देवता माने हिथिबे कि दुखस्य हेतु यदि देवतास्तु किमस्तनस्तत्र विकार योस्तत यदंगमंगेन निहन्यन्ते क्वचित क्रुध्येत कस्मै पुरुषा पुरुषस्वदेहे। 52 नंबर श्लोक जदि जने एभली भाव रे मान्यता ग्रहण करे कि देवता ही कि करिवी भाई मोर कपाळटा फटारे ये दैव दैव ये दे दैवत भी गाली दउची मते कष्ट दउची अन्यथा आउ बहिर्जगत तो ठीक ठाक अछि। अच्छा दैव दैव ये देवता माने मध्ये मते मोर दुखर कारण। बोले नारायण ये मोर अथवा देवता मानक द्वारा प्रदान करा जायथिबा जो परिस्थिति दुखद परिस्थिति ता संगरे मोर कोन कारण, मोर कारण कोन कारण मैं तो स्वयं कहीं के ना। ये देवता माने सब किए आप देखो कितनी सुंदर चिंतन कि इंद्रिय मानकर अभिमानी रूप से देवता माने मो शरीर सब विद्यमान अच्छा। खाली आम विचार कर मन 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 देवता चंद्रमा, अहंकार देवता रुद्र, चित्तर देवता विष्णु, हाथर देवता इंद्र, चक्षुर देवता अश्विनी कुमार, ये गुड़ाक इंद्रिय अभिमानी देवता समस्त अच्छा। और से देवता माने भी मध्य इंद्रिय मान परे नाना प्रकार विषय को भोग करती, किंतु देवता समस्त शरीर तो एक समान एक समान। आपण चक्षुर देवता अश्विनी कुमार, मोर चक्षुर देवता अश्विनी कुमार, आपण मनर देवता चंद्रमा, मोर मनर देवता चंद्रमा, जो देवता एक अटंती गोटे शरीर जो देवता अच्छा अन्य शरीर भी मध्य से देवता अच्छी। ये दशा निजर शरीर को एक लिंग शरीर अथवा
ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ନିଜ ହାତ କଦାଚିତ ଆମେ ମାନେ ସବ୍ଜି କାଟତେ କାଟତେ ଅପନି ହାତକୁ କାଟ ଦେତେ ହେଁ ଲେକିନ ସେ ଭିତରେ ଦଣ୍ଡ ଦଉ ନା କ୍ରୋଧ କରୁ ସେ ହାତ ଉପରେ ନାରାୟଣ ଏଭଳି ବିଚାର କରିକି ନାରାୟଣ ଓ ଯଦି କହି ଦେବତାଙ୍କୁ କହେ କି ଦେବତା ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୋର ଦୁଃଖର କାରଣ ବୋଲି ନାଇଁ 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 ଦୁଃଖ ତ ମନକୁ ହଉଛି କଷ୍ଟ ତ ଶରୀରକୁ ହୁଏ ଜବକି ମୁଁ ନା ଆତ୍ମା ଏ ନା ମୁଁ ନା ଦେହ ନା ମୁଁ ନା ମନ ଆଚ୍ଛା କିଛି ନାଇଁ ଯଦି କହି ମାନେ କି ଆତ୍ମା ହିଁ ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ ବୋଲି ନାଇଁ 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 ତ वो तो अपने आप ही हूं मैं आत्मा अन्य तो कहीं नुआ तो दुखटा आगंतुक सुखटा भी मध्य आगंतुक वो आता है। किसी ने कहा यदि वो आसक्ति यदि आसक्ति तो आसक्ति कभी जा सकती है। अच्छा तो सुख दुख हेतु आत्मा भी नुह आत्मा तो एक वो आत्मा रा गुणधर्म ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖର ହେତୁ କେମିତି ହେଲି ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଛି ନ କେବଳ ମୈ ହିଁ ମୈ ହିଁ ଅହମ୍ ଆତ୍ମା ଗୁଡା କେଶ ନାରାୟଣ ଯଦି ବା ଦୁଃଖ ଦେନେବାଲା ବାହାର ପ୍ରତୀତି ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀତି ହେଇଥାଏ ଏ ଜଗତରେ ତ ଏକ ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀତି ହବ କେମିତି ଯଦି ପ୍ରତୀତି ହଉଛି ତାହେଲେ ପ୍ରତୀତି ମିଥ୍ୟା ମାତ୍ର ସେଥି ନିମନ୍ତେ ନା ସୁଖ ନା ଦୁଃଖ ଆଉ ପୁଣି କ୍ରୋଧ କୋଭଳି ଭାବରେ କରିବି ମୁଁ କାହା ଉପରେ ତୁ କ୍ରୋଧର ନିମିତ୍ତଟା କଣ କ୍ରୋଧର ଆଧାରଟା କଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ଆଚ୍ଛା 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 ବୋଧେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ଥିବେ ମୋର ଦୁଃଖର କାରଣ ନା ନା ସାର୍ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଥର ନ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଥରେ ପଢିବେ ଆଉ ଥରେ ନ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଥରେ ପଢିବେ ଲେକିନ ଆଚ୍ଛା ଲଗେଗା ଆପକୁ ସମସ୍ତ ଆରେ ଭାଇ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାହାକୁ ଠିକ ଠିକ ରେ ହଜମ ହେଇଯାଏ ନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କବି ଦୁଃଖୀ ନହିଁ ହୋ ସକତା ଦୁଃଖୀ ନହିଁ ହୋ ସକତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଧିଭୌତିକ ଅଧିଦୈବକ ତ୍ରିତାପ ଆମେ ମାନେ କହୁଛେ ନା ତାପତ୍ରୟ ବିନାଶାୟ श्री कृष्णाय वयम नमः जो तापत्र विनाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण को नमन करुची भगवान कृष्ण तो कहुचंदि एक कथा उद्धव के सामने रे ये प्रसंग जने व्यक्ति अध्ययन कर सल्ला परे अपने प्रियतम सखा को जते बेले ये ज्ञान दउचंदि बदे ग्रह द्वारा मु दुखी होचि की अच्छा 54 नंबर श्लोक ग्रहानिमित्तम सुख दुःखयोश्चेत् कियात्मनो जस्य जनस्यते वै ये ग्रह को कौन सुख दुख निमित्त मु मानवि कि नारायण अरे अजन्मा आत्मा रो से ग्रह मानक संगरे कि प्रयोजन तार प्रभाव जन्म मृत्यु स्थल शरीर ही उपरे ही पड़े लेकिन मु शरीर ठारु भिन्न ग्रह नक्षत्र रो प्रभाव देह उपरे पड़े ग्रह नक्षत्र प्रभाव आम स्वभाव अथवा ମନ ଉପରେ ପଡେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ତାର ଗୁଣ କେ ଅନୁରୂପ ବୁଦ୍ଧି କେ ଉପରେ କଦାଚିତ ପଡେ ଲେକିନ ମୁଁ ଉନସେ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରହର ପୀଡା ତ ନାରାୟଣ ତାର ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଏ ଶରୀର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଶରୀର ନୁହଁ ମୁଁ ତ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଗ୍ରହ ଶରୀର ଆଦି ଠାରୁ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଅତୀତ ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ମୁଁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ମୁଁ କ୍ରୋଧ କରିବି କି ମୋର ଦୁଃଖର କାରଣ ଯୋଗୁ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଗାରେ ତୁ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ସବୁକିଛି ତୋର କର୍ମର ହିଁ କାରଣ କର୍ମ ତୁ ହେତୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜଡା ଜଡତ୍ୱେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି କର୍ମକୁ ହିଁ ମୋର ସୁଖ ଦୁଃଖର ହେତୁ ମାନିବି କାରଣ ମାନିବି ତାହେଲେ ଆତ୍ମାର ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ମଧ୍ୟ କି ପ୍ରୟୋଜନ କର୍ମ କେ ଅନୁରୂପ ଦେହ ବିଗିଡେ କର୍ମ କେ ଅନୁରୂପ କାହିଁକି ନା କର୍ମଟା ଦେହ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଲେକିନ ଦେହ ମାନେ ମୁଁ ନା ଦେହ ନା ମୁଁ ମନ ନା ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି
नारायण नारायण, आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम नॉट ए माइंड, आई एम नॉट ए इंटेलेक्ट, ये देह मन बुद्धि से मैं परे हूं। देह मन बुद्धि के, बुद्धि इंद्रियां प्राण आदि ये कर्म के बदलोत मते प्राप्त ही चलती, लेकिन उससे मैं अलग नारायण। ये देह तो अचेतन, ये पक्षी रूपरे सदैव नित्य निरंतर ओ इति घोसला बने की बस विद्यमान, ओ भोक्ता बन करके जीवात्मा परमात्मा, और तो इसे साक्षी बन करके परमात्मा इति विद्यमान अछंति। ए बोली बापरे कर्म तो कौन सी आधार नुह मोर सुख दुख र कारण, तो मु क्रोध कहा परे करी। तो ये कोई कहे कि ना 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 काल काले, काल के अनुसार शायद सुख दुख होती हो, सुख दुख काल ही दौथिव मन को, नहीं नहीं नहीं, काल ही सुख दुख र कारण ए बोली भावरे माना जाई पारे ना, कहीं कि ना आत्मा ऊपर तार कोन प्रभाव। हरे कृष्ण, कहीं कि ना काल तो आत्मा स्वरूप अटे, जो बोली भावरे अग्नि ही अग्नि को जले पारिब नहीं, यदि वो काल को आत्मा बोली माना जाए ताहले आत्मा आत्मा को कौन जलेगा नारायण। इसलिए काल निजर आत्मा को ही सुख दुख के बहले पहुंचाई पारे नहीं, तो ताहले मुतापरे कहीं क्रोध करी। ए बोली भावरे महाराज सुंदर भावरे विचार उद्घोषण करती ये भिक्षु महाराज, न केनचित कापि कथश्चनास्य द्वंद्वपराग परतः परस्य यथाहम संस्तुति रूपिण स्यात् देवं प्रबुद्धो न बिभेति भूते। द कंक्लूजन, निर्णयात्मिक वाणी 5-7 श्लोक, आत्मा प्रकृति र स्वरूप धर्म कार्य लेस संबंध गंध से भी मध्य रहित अटे आत्मा। सति निमंते कहार प्रभाव रे प्रभावित न होना, अथवा से आत्मा को कौन से प्रकार द्वंद स्पर्श करे नहीं। तो यदि सुख दुख हेतु ये जगत ग्रह गोटाए गोटाए कण, कोई देवता कोई मनुष्य कोई आत्मा कोई ग्रह कोई कर्म कोई काल, एमानंकर संगरे मोरो कौन सी द्वंद नहीं, मैं उनसे अलग उनसे रहित दिव्य आत्मा नारायण नारायण। तो कौन सी द्वंद स्पर्श करे पारे नहीं, कौन सी जन्म मृत्यु चक्र रे घटित करुथिवा अहंकार संगरे मोर कौन सी प्रयोजन नहीं। से निमंते भल भाव जानवा कथा जे कम से कम मोर कौन सी कही हेले भी मध्य सुख दुख हेतु नुहंती। बड़ी बड़ी प्राचीन ऋषि माने ए बड़ी भाव रे परमात्मा निष्ठा को आश्रय ग्रहण करी चंती, ए बड़ी विचार को निज मन भीतर आनी। तो मु भी मध्य आहार ए बड़ी भाव रे विचार रो आश्रय ग्रहण करी भी, तो निश्चित करंती और अज्ञान सागर रु मुक्त पूर्वक नित्य निरंतर अभय एवं शांति तह जीवन यापन करी। श्री भगवान कहते उद्धव जी ए बड़ी भाव रे ब्राह्मण ब्राह्मण कण धन नष्ट हेला, ये धन नष्ट हवा संगरे संगरे तार समस्त क्लेश ही दूर हे गला, अभिमान गर्व लोभ कामना ये सब उत्ता मन को मन चली गला, एकदम आत्मचिंतन रे सर्वराह होता हुआ डूबता हुआ नारायण दिव्य आनंद को प्राप्त करता हुआ गान करुचे, मोर के ही सुख दुख हेतु नहंती नारायण। इसलिए ये जितने श्लोक ये 16 श्लोक को अपने जीवन की मंत्र बनाने बना लेना चाहिए एवं बस उद्गार उद्घोषणा करना चाहिए। तो परमात्मा भगवान कृष्ण कहते सुख दुख प्रदो नान्य पुरुषात्मा विभ्रम पुरुषास्य पुरुषास्यात्मा विभ्रम मित्रो दासी नरी पवह संसार तमसकृत। ये बोली भाव रे ये संसार रे मनुष्य को अन्य कहा को सुख दुख र हेतु न मान न मानिकी
नित्य निरंतर जो सुख दुख र प्रतीति प्रतिभासित होचि आम मानंकु तो से गुडा को केवल चित्तर अथवा मनर भ्रम मात्र एवली भावरे विचार करिकि नारायण सदैव सदैव उदासीन हो चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो ये सब गुड़ा को केवल अज्ञान रे कल्पित संसार तमसकृत मित्र हो उदासीन हो रिपव यानी शत्रु हो नारायण। इसलिए हे प्यारे उद्धव निजर वृत्ति को निजर मति को निजर चित्त को तस्मात सर्वात्मना तात निगृह निगृहण मनोधिया तुम्हारा मति एवं बुद्धि मयावेशितया युक्त एतावान योग संग्रह मोरी चित्तरे मोर पदारबिंदरे युक्त कर दियो एवं समस्त साधनार जो निष्कर्ष होती गई यह इताम भिक्षुणाम गीताम जो नित्य निरंतर भिक्षु महाराज एवली भावरे उद्घोषण करंती और अनेक अनेक महात्मा मैंने भी ये प्रसंग को अन्य अन्य महात्मा मान को श्रवण करती जो कि मुझे तुमको श्रवण करेगी नारायण। तो ये बड़ी भाव रे ऐसी आत्मस्थिति को प्राप्त करे कि महाराज वो सिंह जैसा गर्जन कर दहाड़ता है सुख दुख के समकक्ष और ये सुख दुख चाहे शारीरिक जनित हो चाहे मानसिक जनित हो चाहे बौद्धिक जनित हो चाहे इंद्रिया जनित हो तो महाराज कौन से दुख को स्पर्श कर पारे नहीं। तो इसलिए निजर मति को अन्य 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 सुख दुख हेतु कारण ये प्रकृति प्रकृति ही प्रवृत्त होची एभली भाव रे विचार करके निजर मति को परमात्मा भगवान मय्यावेशितया युक्त एतावान योग संग्रह नारायण। 61 नंबर श्लोक संपूर्ण योग साधनार ये होची सार भगवान कहते मुख नहीं आज्ञा। तो इसलिए नित्य निरंतर आम समस्त चेष्टा परमात्मा भगवान चरणाश्रित होगा कथा बस। तो कल सांख्य योग विषय वर्णन करवा आज इतनी अस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमृतिरमामृतं गमय। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम प्रणाम सबको। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् पुत्योर्मक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् पुत्योर्मक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् पुत्योर्मक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम प्रणाम समस्तको। जय जगन्नाथ। बहुत धन्यवाद जी। हरि ଏବେ ଆମେ ଭାଗବତ ଟଙ୍ଗୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆଜି ପାରାୟଣ କରିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ। ଆଜି ପାଠ ହେବେ ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 24 ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 24 ଓଡ଼ିଆ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନୃସିଂହ ବାବୁ। ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। एकादश नारायण नमस्कृतं नरचैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो मुदीरये मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं हयते गिरिदत्प्रभातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। चतुर्विंश अध्याय मन संयमे तिरस्कार सहिबा उपाय विचार भिक्षु गीतार इतिहास वर्णित अध्यात दुर्विशे
दया सागर चक्रपाणी उद्धव मुखो वक्त सुनी बोलन्ति सत्य तो वचन हेमंत सीते वाजन ये चित्त धरी पारे स्थिर दुर्जन वचन प्रहारे जे पारे एते दुख सही से प्राणी त्रिभुवन नाही समरे रिपु बाणी खाए जेबे रुधिर बहे देहे जे क्षत्रिवृत्ति आचरती से दुख मने न धरती दुर्जन कु वचन बाण मर्म विदारे तत्क्षण एबे तू सुण हो विश्वास जे पुण्य कथा इतिहास तेणु तू मोहर विश्वास तेणु मुँ करी प्रकाश पूर्वे हो अवंती नगरे थिला दुर्जन विप्रभरे दम्भ आरंभ काम लोभ निरते मने क्रोध भाव कदर्ज बुद्धि तारहीन नाना प्रकारे हंसे धन कृषि वाणिज्य कर्म करे वंश ही पर प्रकारे ज्ञानी अतिथि बंधु जेते मधुर वाक्य दुग्ध जीते तंकु न सेवे कदाचित तीड़े न रहे परहिते कदर्ज दुष्ट व्यवहारी दुशील मति दुराचारी पुत्र दुहिता दास दासी एहंकु न पोषे आश्वासी आपणे न बक्ष इभले प्राणी कि नदीए मागिले दक्षर प्राय रखे धन धने कुल नित्य मन से विप्र वंचित जीवन हेमंते गला तेते दिन अन्न न पाई दारा सुत क्रोध होइले बंधु मित्र न करी यज्ञ धर्म कर्म धन रक्षण तार मन धर्म कु करी अनादर नाशिला पूर्व पुण्य तार पुत्र कामिनी परिवार झेह बा दास दासी तार सकले भाड़ी एक चित्ते धन हरिले ताकु पते अनले गला किसी पोड़ी भड़ी जना बजले बुढ़ी चौर्य किसी धन गला राजा ही किसी बही नेला संचित धन देते थिला हेमंते नाना रूपे गला निर्धन देखी दारा सुते बंधु बांधव तार देते दासी सेवक परिजन छाड़ी चलिले अन्य स्थान हेमंते विप्र दुख चित्ते रात्र दिवस भाड़े नित्ये विकल्प चित्ते नित्य कांदे निर्धन बांधव विच्छरे हेमंते चिंता शोक भरे पड़िला तीनि ताप ज्वरे भाड़ी अति भय चित्ते मुहे बे वंशी भी के मंते एमंते भाड़ू भाड़ू दिने वैराग्य उपजिला मन बोल आत्मा अनुसरी विफल अच्छी देह धरी एक जीवन जन्म मोर व्यर्थ ए विप्रकले भर आपणा दोषे मु विनाश हेले सकल कलि नाश आपणा हस्ते मन सुखे अनल देली निज मुखे पुरीज कर्मर विपाके वंचित हेली नर लोके पुत्र कलत्र परिवार बंधु बांधव जेते मोर एहांकु दुख देते धन संचिली मुनि रते तेजिली धर्म काम भोग सकल सुखे मु बिजोग हे धन हेली मुनि रास उभय लोक करि नाश दुखे संचित जेते धन तेनु हे सुखे प्रयोजन वंचित हेली नर लोके एबे मु पड़ी नरके पुष्ट देश रूप नाशे लोभ देमते गुण जसे अर्जन साधने संचय धन जे सर्व दुख मय चौर्य हिंसा मिथ्या दम्भ भेद भेद बैर मद गर्भ काम क्रोध दे अविश्वास स्पर्धा व्यसन दे विशेष ए पंचदश दोष धने एणु पंडित साधु धने धन संचय दूर करी नियत कर्म को आभोरी धीरे रहंती समचित्ते धन्य जीवन ये जगते धनर दोष आर जेते कहिबा सुन एक चित्ते सात जननी भ्राता सुत रुद्ध बांधव कलत्र एहांकु देखि रिपु प्राय धन संचय नित्य ध्याए भेद उपजे बंधु कूले धन संचय नव्याकूले विच्छेद करे दारा सुत कदर्ज बोलती जगत धन ए सकल कारण रूपणे मर्यादा लंघन अल्प धनर कारण बैर बढ़े अनुक्षण स्वजन बंधु कूल
ভেদে কন্দল বাদ অনুভাবে মনুষ্য দেহে জন্ম হই ব্রাহ্মণ তনু মুহি ভাই স্বর্গে বাঞ্ছতি দেবগণে মনুষ্য দেহ অনুক্ষণে হুয়ে দুর্লভ দেহ পাই নিন্দিত কর্ম করিল হই এ জন্ম কলি অনাদর ধন সঞ্চয় অধিক মোর মনুষ্য দেহ ভূমি ভাগে সাধই স্বর্গ অপভর্গে এ দেহে অনর্থর ঘর ধন সাধই দেবানর যে দেব পিতৃ ঋষি গণে সেবান করে মূঢ় পড়ে লক্ষ্যর প্রায় রক্ষে ধন লঙ্ঘ জ্ঞান্তি বন্ধু ধন সঞ্চয় দেহকু ক্লেশ দেই সে প্রাণী নরকে পড়ই স্বভাবে বয়স সরিলা এ জন্ম বিয়ার্থে মোগলা জাণ ইয় সত্য জগত ঈশ্বর মায়ারে মোহিত এ ধন অর্থে কে পণ্ডিত ব্যর্থ বা কুল লোভগ্রস্ত এণু কি কার্য ধন ধান্যে ভাড়ই ব্যর্থ প্রয়োজনে মরণ মুখে এবে পড়ি ভাড়ই নিজ পথ হুড়ি এবে জানিলি মোর ভাগ্য গোবিন্দ করে অনুরাগ এ মোর পূর্ব পুণ্য দশা তেজিলি ধন জন আশা চঞ্চল মন হৃদয় রুদ্ধি এবে সাধিবি সর্বসিদ্ধি হরিচরণ দেই মতি খণ্ডিবি অশেষ দুর্গতি পূর্বে খট্টাঙ্গ রূপ বর দেবঙ্কু করি উপকার পুণি সে আসি মোহি তলে মুহূর্ত মাত পুণ্য বলে ভাবে আরাধি চক্রধর ভব সাগর হে ব্যাপার এবে মু সর্ব আশা সে দিন নানা প্রকারে তপ সাধি সংসারু তরিবি যে মন্ত হেমন্ত ভাবি দৃঢ় চিত্ত নিশ্চল শান্ত দন্ত চিত্তে তপস্বী জনঙ্কর মতে পৃথিবী করি পর্যটন ধীরে দুর্জন ঘোর বন গুপত অবধূত বেশে ভুলইপুর গ্রাম দেশে স্বভাবে দিশে কুঘটন বৃদ্ধ ভিক্ষুক সে ব্রাহ্মণ গ্রামে বুলই ভিক্ষা আসে মলিন অবধূত বেশে অতি মলিন অতিক্ষীণ দিশই জাতি বর্ণহীন গুপত দেখি তার চিহ্ন লোকে করন্তি অপমান তাহাকু দুষ্ট গণে বেড়ি কেদাই মুন্ডে কর দাড়ি বেদণ্ডক মণ্ডলু বলে হেলি পড়ান্তি কুতুহলে বেদজ্ঞ সূত্র কন্দু ফেড়ে এ পৃষ্ঠে মারন্তি ঝাপড়ে এ কথা চিরি করি বলে ভয়ে পড়ান্তি এক মেলে পুড়ি রহন্তি দূরে যাই নানা ভর্ষণে গাড়ি দেই দেহ শিখর তাড়ি দেই গুপতে তার পথে থাই ভিক্ষা মাগিলে অন্ন পাণি তাহাকু লোকে যেতি আনি এবে ভুঞ্চই নদী তীরে কেমুতে ভিক্ষার উপরে এ মুখে অধবায় উছাড়ে এ হসি করে কর তাড়ে এ মারি আনকু দেখাই হসন্তি তার মুখ চাহি গর্জন গর্জন কে করে কে রজ্জু বান্ধন্তি পয়রে কে বা পূর্বে তাকু চিহ্নে কহন্তি সাত পাঞ্চ ঘেনি এহার নাশ গলা ধন কোপে ছাড়িলে বন্ধু জন দেখ কপট ধর্ম বেশ জগতে বোলাই সন্ন্যাস দেখ বুলই অধমুখে চক্ষু মেলিন সর্ব দেখে রাত্রে পশিব কার ঘরে চুরি করিব অভ্যন্তরে এহা কুমারী কর দূর দণ্ডে ন থাউ আম্ভপুর দেখ মৌন মুখে রহে জলে দেশ নেব কাহে আজ করিব এহু চুরি দূর করা ইয়া কুমারী এমন্তে দুষ্ট গণ মেলি হসন্তি দেই কর তাড়ি ভয়ব করাই তাকু ত্রাস করন্তি হাস পরিহাস এমন্তে সর্ববাক্য শুণে ধৈর্য অবলম্ব গুণে এবে হে মনে নহে দুঃখী পূর্বে অর্জিত কর্ম লক্ষ্মী দেহ বা যেতেবেলে হয়ে গুরুঙ্ক প্রায় সর্ব সহে অদৃষ্ট মন কহে কথা কে অছি সুখ দুঃখ দাতা গৃহ দেবতা কাল কর্ম আত্মা কি অবা কেহি জন মুহন্তি সুখ দুঃখ দাতা মনটি পরম করতা জন্ম মরণ বেলি পথে যে মন ভ্রমায় নিরতে মন যে ত্রিগুণ সৃজয়ী ত্রিগুণে কর্ম সঞ্চরই কর্মে ত্রিলোক দেহ পাই তির্যক নর দেব হই এণু মনর এ সংসার সংসার বিলগ ঈশ্বর ঈশ্বর বসে সাক্ষী রূপে কর্ম করায় নানা রূপে কর্মরে সঙ্গ নাহি তার জ্ঞানরে চেষ্টা দেণু তার
ମନ ତାହାର ସଙ୍ଗେ ମିଶେ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀରେ ବିଭବ ସେ କର୍ମ କର ଏ ଗୁଣ ବଳେ ସଂସାରେ ବନ୍ଧନ ନିଶ୍ଚଳେ ଏଣୁ ଏ ମନର ସଂଯମ ପରମ ଜ୍ଞାନର କାରଣ ଦାନ ସ୍ୱଧର୍ମ ଯେ ନିୟମ ସୁବ୍ରତ କର୍ମ କିବା ଯମ ଏ ସର୍ବ ମନର ସଂଯମ ମନ ସଂଯମ ପର ଜ୍ଞାନ ମନ ସଂଯମ ଅଟେ ଯାର କି କାର୍ଯ୍ୟଦାତା ଦାନାଦିରେ ତାର ମନ ଆୟତ୍ତ ଦାର ନୁହିଁ ଦାନାଦି କର୍ମେ କିବା ହୁଇ ଏଣୁ ଯେ ମନ ବସ କରେ ସର୍ବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେ ସହରେ ମନରେ ବସ ଯେବା ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ସେ ଭ୍ରମୟୀ ଯୋଗୀ ଏ ଯୋଗ ବଳ ଧରି ବଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବସ କରି ମନ ହବ ସେ ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଏଣୁ ଏ ମନ ଅଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ତାକୁ ବସ କରିପାରେ ସର୍ବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟ କରେ ଦୁର୍ଜୟ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ ମନ ତାକୁ ନ ଜିଣି ଯେ ଭାଜନ ଉଦାସୀ ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁଆନ ବିଚାରେ ମୂଢ ସେ ହୁଜନ ମନ କଳ୍ପିତ ଦେହ ପାଇ ମୁହି ମୁହର ଚିତ୍ତେ ଥାଇ ଅନନ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଚିନ୍ତି ଅପାର ସର ଅପାର ସଂସାରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମାକୁ ନ ଜାଣେ ସେ ରୂପ ମିତ୍ର ପରିମାଣେ ମାୟା ସଂସାରେ ଜ୍ଞାନ ହାରି ଜୀବକୁ ଜୀବ ହିଂସା କରି ସ୍ୱଭାବେ ଜୀବ ନିର୍ବିକାର ଦୋଷ ଅଦୋଷ ନାହିଁ ତାର ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିଭା ଛେଦି ତାର ଅଛି ପ୍ରତିବାଦୀ ଦେବତା ବସେ ସର୍ବଭୂତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଭେଦ ସ୍ୱରୂପେ ଉପଇ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ଅପର ଅଙ୍ଗେ ପ୍ରହାରୋଇ ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବିଚାରିଲେ ଲାଗଇ ନାହିଁ ଆତ୍ମା ତୁଲେ ଯେବେ ବୋଲିବା ଗ୍ରହ ଦୋଷ ପ୍ରାଣୀ ବନ୍ଧନ ଗୁଣ ପାସେ ଏ ଅନୁମାନ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଗ୍ରହ କି ମାରେ ଗ୍ରହ ଦେହେ ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେତୁ କର୍ମ ବିଚାର କରେ ହୁଏ ଭ୍ରମ ସ୍ୱଭାବେ ଦେହ ଜଡ଼ମୟ ସ୍ଥଗିତ ସ୍ଥଗିତ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପ୍ରାୟ ଆତ୍ମା ପରମ ହଂସ ରୂପେ ନିତ୍ୟ ବସଇ ନାନା ବୃକ୍ଷେ ଏ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖ ସାର ନିର୍ମଳ ନିତ୍ୟ ନିରାକାର ଏଣୁ ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପାର ଏ ଅନୁମାନ ଏଣୁ ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପାଇ ଏ ଅନୁମାନ ନ ଘଟଇ ଯେବେ ବୋଲିବା ନାଏ ଅଛି କାଳ ହିଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଲେଖି ଫଳର ଦେହେ ଯଥା କାଳେ ବୃଦ୍ଧ ତରୁଣ କିବା ବାଳେ ତେବେ ଆତ୍ମାର କିବା ଦୁଃଖ ଆତ୍ମା ସ୍ୱଭାବେ କାଳ ରୂପ ଏଣୁ ଦୁଃଖମୟ ବିଚାରେ ନ ଘଟେ ନିଜ କିବା ପରେ ଏଣୁ ଏ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ବନ୍ଧନ ଅହଙ୍କାରେ ଏଣୁ ଏ ମାନ ଅପମାନ ନଘେରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଜନ ଶତ୍ରୁ ବାନ୍ଧବ ନିଜ ପର ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭ୍ରମ ମୋର ପୂର୍ବେ ଯେ ମହା ଋଷି ଗଣେ ପରମ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠା ଜ୍ଞାନେ କରିଲେ ଏ ଘୋର ସଂସାର ମୁଁ ଏବେ କରି ସେ ବିଚାର ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ସେବା କରି ଘୋର ସଂସାରୁ ଯେ ଭିତରି ଭଗବାନ ଭାଚ ଏତେ ବିଚାରି ବିପ୍ରମରେ ଚିତ୍ତ ନିରୋଧୀ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ହରିଚରଣ କଲା ସାର ତେରିଲା ମାନ ଅହଙ୍କାର ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତ ମୋ ଚରଣେ ବୁଲେ ହବ ନିପର୍ଯ୍ୟଟନେ ମୋର ପରାର ବିନ୍ଦୁ ଧ୍ୟାନେ କିଛି ନ ଜାଣେ ରାତ୍ର ଦିନେ ଫିଟିଲା ଅଶେଷ ବନ୍ଧନ ମୋହର ପାଦେ ହେଲା ଲୀନ ଉଦ୍ଧବ ଏହା ମନେ ଧର ସର୍ବ ସଂଶୟ ପରିହର ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତ ମୋର ପାଦେ ସମର୍ପି ରହ ତୁ ଆନନ୍ଦେ ଏ ଭିକ୍ଷୁ ଗୀତା ଇତିହାସେ ତୁ ଆଗେ କହିଲି ବିଶ୍ୱାସେ ଏ ଗୁଣମୟ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଯେ କରେ ଶ୍ରବଣ ପଠନ ଅଶେଷ ଦୋଷ ତାର ହରେ ନ ପଡ଼େ ଭବ ପଙ୍କ ଘୋରେ ହରଇ କାମ କ୍ରୋଧ ଦୋଷ ନ ଲାଗେ ଦୁଃଖ ଶୋକ ପ୍ରାସ କହି ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶୀ ଭାଗବତ ଉଦ୍ଧବେ କହେ ନାରାୟଣ ସୁଧନେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସା ସହିତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦେ ଭଗବତ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦେ ଭିକ୍ଷୁ ଗୀତା ନାମ ଚତୁର୍ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଙ୍ଗ ମୁନିରପିମତି ଭ୍ରମଣ ବିଦ୍ୟତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ହରି ଓ
ओम पार्वती उवाच केन उपायेन लघुना जगन्नाथ नाम सहस्र कम पट दे पंडित नत्यम श्रुतमिच्छामि ओम प्रभु। ईश्वर उवाच श्री राम राम रमे ती रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने श्री राम राम रमे ती रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने श्री राम राम रमे ती रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने श्री राम नाम बरानन ओम नमो इति हरि ओ। ಸಂಧಿ ಮಾಡ್ಕೊರಂದು ಓಂ ದೋಃ ಶಾಂತಿಃ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಶಾಂತಿಃ ಪೃಥಿವೀ ಶಾಂತಿಃ ಆಪಃ ಶಾಂತಿಃ ಔಷಧಯಃ ಶಾಂತಿಃ ವನಸ್ಪತಯಃ ಶಾಂತಿಃ ವಿಶ್ವೇದೇವಃ ಶಾಂತಿಃ ब्रह्मा शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम तत्सत्। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀ ପାଠ କରିବେ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଣତୀ ମିଶ୍ର ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।